बॉय बॉय टोटल जोश हमारा है। स्टोरी तुम्हें सुनानी है। रोको तो रोको, हमको आज हमारी बारी है। क्रिश एंड बॉटी बॉय, क्रिश एंड क्रिश एंड बॉटी बॉय। हमारी बारी है। आखिरकार बाल्टी बॉय की संगत का असर ट्रिश के दिमाग पर किस तरह हुआ है ये आप देख सकते हैं। वो अब पागलपुर की महारानी बन चुकी है। चलिए उनसे एक एक्सक्लूसिव मुलाकात करते हैं। महारानी साहिबा, आपके राज्य में पागलों की संख्या कितनी है जरा बताएंगी? तुम्हें गिनकर पूरे 265। अब एक सच्ची कहानी सुनाओ। सुनो, बहुत पुरानी बात है, पर्शिया के एक शहर तबरीज के शाह की सभा में मुगल राजा हुमायूं ने तस्वीर देखी और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि वो दो पर्शियन चित्रकारों को अपने साथ भारत ले आए और यहाँ पे उन चित्रकारों ने एक नई भारतीय स्टाइल की चित्रकारी की। मेरे चूहों, संदूक में है एक बेमिसाल दास्तान, वो भी काफी पुराने अंदाज में, मुगल मिनिएचर पेंटिंग। इन तस्वीरों को खास तौर पे शाही लोगों के लिए बनाया जाता था और कई तस्वीरों में तो सोने चांदी का भी इस्तेमाल हुआ था। कहानी सुनो रे भैया, सुनो रे राजस्थान से। राजकुमारी लौट रही थी घर को बड़े ही शान से। क्या पता था उसको खतरा आ जावेगा जान पे, जंगल के जानवरों से नहीं बल्कि इंसान से। बचाओ, बचाओ, डाकू आ रहे हैं, मन्ने बचाओ। के डाकू? जी हाँ राजकुमारी साहब, आप यहाँ से निकल जाइए और अपनी जान बचाइए। अरे राजकुमारी साहब, ये बग्गी का चक्कर छोड़िए, घोड़ा लेके दौड़िए। सैनिकों, जंगल में जाओ और डाकुओं को पकड़े बिना वापस मत लौटना। अरे असली डाकू तो हम हैं। अब जी सुना, सारे का सारा, आधा मारा और आधा थारा। इतने सारे रतन, मैं बोलू माला माल हो गए हम तुम्हारा, माला माल। हमारी शानदार योजना का है जय कमाल। जय क्या था भाया, थोड़ी भूख लग रही के? अरे ना भाया, ये मारा पेट नी, शेर है गुर्राया। अच्छा अच्छा, के शेर? फिर बारे को बचाओ भाया। मैं के लंगोटदारी टारजन हूँ के शेर से लड़ू। लगता है शेर कहीं और निकल गया। बढ़िया है। मारो दांत, कटे क्यों मारो दांत? अरे मारा शाहजहां, वो थारो दांत थो, मुमताज कौनी, अब चल। Ah!
भूत भूत तो नहीं? अबे मंद बुद्धि, बकवास बंद कर थारी, वो बाउडी में पड़ी हो। पक्का? अरे मदद कर दो माया, मैं दो चोरों का पीछा कर रही हूँ तो और जे बाउडी में गिर गयो। अरे बोलने वालों शेर, उल्टे पैर वाली डाकन तो मैंने कहीं देखी पाया, बोलने वालों शेर तो पहली बार देखियो। क्या डाकन? मैं बोलियो तो जे जरूर भूत होगा। अरे भोगा, अठे तो आओ। ओ देख आठवो अजूबो। अरे देखण के लग रहे हो, कृपा करके निकालो बारे को यहाँ से। सोच, अगर हम इसे सर्कस वालों को बेच दें, हमें घने पिस्से मिल सकते हैं। मैं बोलियो अब के तू टार्जन हो गया के है? वो शेर है शेर, अरे कोई कुत्ते का पिल्लू ना है कि गोदी में उठा के सर्कस में बेचा हो। तू तो कुत्ते के पिल्लू से भी डर जावेगा, डरपोक कहीं का। हट, बोलने वाला शेर रोज रोज ना मिले। अरे मैं बोलियो मेन कोर्स में थारे को खाएगा और डेजर्ट में मन्ने। ज्यादा लालच न कर बोगा। तुम मन्ने बोगा बोल रही हो? है सेनापति को अभी बनाता हूँ थारा कचूमर। अरे मारी माँ। अरे चुप हो जा माँ के लाल, जंगल में माँ ना आवेगी। सोचने दे मारे को, अगर मैं इस डाली को लपक के पकड़ लूं तो बाहर निकल सकता हूँ। अरे सांप! अरे सांप! बचाओ! 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 अरे बेवकूफ, मुझे भी नीचे ले जाएगा। बचाओ! अरे कोई है? बचाओ! बचाओ! ये काले काले भैंस हैं, तुरुरु तुरुरु। बचाओ! ये गोरी गोरी गाय। बचाओ! हे सेनापति साहब, आप यहाँ कैसे हैं आप? अरे मदद करो, बाहर निकलने में मारी मदद करो भाया। हे डोंट वरी, मैं हूँ ना। तूने आज साई सेनापति को? अरे ये क्या कर रहा है? हैर? इन दोनों को ऐसी दशा में देखकर मन्ने कुछ 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 होए है तकलीफ। मैं बोलियो भाया, हमारा के नाश्ता बनाना है, है? कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और जीत के हारने वाले को भीरू कहते हैं। अरे भाया, तने जो करना है सो कर, है? पर हमारे जाने के बाद। हमारी जिंदगी बचाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अरे एक था लायन, वो भी बोलने वाला। मारी जिंदगी बचाने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, हीरे की अंगूठी। अरे वाह, इसे बेचकर तो मैं अपनी किरण से शादी करूंगा। किरण? चूंकि हमारे पास कोई हीरे जवाहरात ना है, इसलिए जब भी तारे को कोई भी परेशानी हो तो तू बस मन्ने याद करना और मैं थारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किरण मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अंगूठी लेकर। चोरों के ऊपर राजा साने इनाम रखियो है, हमें इनके साथ कोई देख ना ले, इसलिए ये सब कुछ छुपाओ जल्दी। कौन है बेटा? मैं बकरी। मैं भीरू, नाम तो सुना ही होगा, भीरू।
अरे तू? अरे आप लोग, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो क्या है, जिस एक था लायन को मैंने बचाया उसी ने मन्ने ये अंगूठी दी है। हाउ नाइस ऑफ हिम। तो अब मैं इस अंगूठी को बेचना चाहता हूँ, बताइए इसकी क्या कीमत मिलेगी। जे क्या, जे तो राजकुमार। बेवकूफ रुक, अपना मुंह बंद रख। हम इस मूर्ख का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम राजा सा के पास जाके उनको बता देंगे कि इसी ने सारे हीरे जवाहरात चुराए हैं। वो लोग इसके पास से अंगूठी बरामद करेंगे और इससे ये साबित हो जाएगा कि यही चोर है। और तो हमें चोर पकड़वाने का इनाम भी मिल जाएगा। अरे मारा शेर, तू तो मुझसे भी बड़ा कमीनो निकलियो। मैं अभी आयो। क्या मैं अंगूठी देख सकता हूँ? बहुत अच्छे से तराशी है किसी ने, कमाल है। वाह 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 वाह, बड़ा बारीक काम किया है। सुंदर सुंदर है। लक्कड़हारे, राजकुमारी के जेवरात चुराने के जुर्म में थारे को गिरफ्तार किया जाता है। अरे पर ये तो मन्ने एक था लाइन जी ने दी थी ना। अरे आप तो जानते हैं ना जी। अरे बकवास बंद कर, सैनिकों ले जाओ इसे यहाँ से। अरे कौन रो रहा है? चुहो कहानी रोको। अरे बाल्टी बॉय, तुम रो क्यों रहे हो? अब भीरू को कौन बचाएगा? शांत हो जाओ बाल्टी बॉय, जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम्हें कौन याद आता है? तुम लोग। बिल्कुल, तो ठीक उसी तरह जब भीरू पर मुसीबत आई है तो उसे कौन बचाएगा? तुम लोग। बिल्कुल सही बाल्टी बॉय, बिल्कुल सही। नहीं बाल्टी बॉय, उसके दोस्त। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसा मैंने सुना था और आज तो देख लिया सेनोरिटा, आई मीन किरण। एक मिनट एक मिनट, वो सांप भी तो वही था। मैं उसे यहाँ बुलाकर अपनी सच्चाई साबित कर सकता हूँ। व्हाट एन आइडिया भीरो जी। हे मेरे दोस्त, आओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, आओ प्लीज। केमन ने याद की तुम्हारा दोस्त है, तू आ गई। स्वीट ऑफ यू। अरे क्या बताऊं, राजा सा को लगता है कि मैंने राजकुमारी की हीरे की अंगूठी चुराई है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन्हें बताओ कि मैंने कोई चोरी ना करी है और ये अंगूठी एक था लायन ने मारे को दी थी। प्लीज कैन यू डू दिस? पर एक सांप की बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा। ओह सर, पर हमारे पास एक तरकीब है जिससे थारी जान बच सकती है। अच्छा क्या है वो तरकीब, प्लीज बताओ ना। हमारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है, हमारा शहर, और मैं उसका इस्तेमाल करूंगी थारी मदद के लिए। मैं राजकुमारी को डस लूंगी और तुम राजा को बताना कि सिर्फ तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। जब तुम उसे बचाने जाओगे तो मैं अपना जहर उसके शरीर से वापस खींच लूंगी और राजकुमारी ठीक हो जाएगी। इस बात से महाराज खुश होकर तुम पर विश्वास कर लेंगे। बस सुबह होने का इंतजार करो। तुम कितनी साफ दिल की, साफ दिल की हो मेरी तरह। क्या हुआ? राजकुमारी सा को सांप ने डस लिया है और कोई भी उन्हें बचा नहीं पा रहा। अब तो भगवान ही उनकी जान का मालिक है। अरे मैं उन्हें बचा सकता हूँ, सच्ची मुझे मैंने कोशिश करने दो प्लीज। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जेल में मजाक नहीं कर सकता ना। अच्छा तो चलो जल्दी। हुँ?
अब जे चोर यहाँ क्या कर रहा है? इसका कहना है कि जे राजकुमारी शाह को बचा सकता है महाराज। तुम बचा सकते हो तो फिर बचाओ। हे, आप सब मने राजकुमारी शाह के साथ अकेले छोड़ दो प्लीज। प्लीज डोंट माइंड। ओम शांति ओम बोलो, जल्दी से आंखें खोलो। ओम शांति ओम बोलो, जल्दी से आंखें खोलो। अरे खोलो प्लीज यार। उसे उसे होश आ रहा है। मारी बेटी बच गई। मैं कट्ठे हूँ। तुमने मारी बेटी के प्राण बचाए हैं। बताओ क्या चाहिए थाने? कुछ भी मांगो। महाराज मने बस एक मौका दे दो अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्लीज। बस इतनी सी बात? ठीक है तो मैं अपने गवाह को बुलाना चाहूंगा। आओ लायन जी, आओ लायन जी, आओ प्लीज। महाराज आप भी किसके झांसे में आ रहे हैं? महाराज हाजिर है मारे गवाह, एक था लायन जी। घड़ी का मां महाराज। अरे तो गजब वाला शेर। और कहा भी सकता हूँ। शेर जी को अकेला छोड़ दो। शेर जी आप मने बताओ, क्या सच में आपने भीरू को अंगूठी दी थी? जी हाँ महाराज। और आपको किसने दी? किसी ने ना दी महाराज। ये अंगूठी दो चोरों के झोले से गिर गई थी जब मैं उनका पीछा कर रहा था। पीछा करते हुए मैं एक बोड़ी में गिर गया था और वहाँ से मारे को भीरू ने बचाया था। उनमें से किसी चोर की शक्ल तुमने देखी? ना महाराज, मन में दुख है कि मैं उन्हें देख नहीं पाया। पर जहां तक मन ने याद है, उनमें से एक चोर का दांत पेड़ में टकराने से टूट गया था, तो उस चोर का एक दांत भी टूटा ही होगा। अरे देखो तो जरा जेवरात, अरे दांत तो इसका भी टूटा हुआ है, जरूर यही चोर है। हाँ यही तो थो जो जंगल में डाकू डाकू चिल्ला रही हो थो। देखा, मैंने बोला था ना मैं निर्दोष हूँ। देख लीजिए ये रहा असली चोर, एक था चीफ सैनिको। मैं थने गिरफ्तार करता हूँ। के तू मारे को गिरफ्तार करेगा है? राजा साहब, राजा साहब, इस आदमी ने हमारे साथ मिलकर इस चोरी की पूरी योजना बनाई थी। हाँ सच कह रहा हूँ राजा साहब, अगर यकीन ना हो तो आप इसके म्यार की तलाशी ले लो राजा साहब, आपको बाकी का खजाना भी वही मिल जाएगा। बेवकूफ कहीं का, तूने अपना मुंह बंद रखा होता तो मैं दोनों को बचा लेता। तो बोलना चाहिए था ना, मने के सपना आएगा है? सैनिकों इन दोनों धोखेबाजों को काल कोठरी में डाल दो। हीरू, ना केवल तुमने अपने आप को निर्दोष साबित किया है बल्कि अपने बहादुर और दयावान होने का प्रमाण भी दिया है। हीरू ये रहा तुम्हारे इस अच्छे काम का इनाम। सोने हीरे जवाहरात। अच्छा है सबका भाव बढ़ रहा है। अब ये सारे लेकर मैं अपनी किरण के साथ 11 मुल्कों की सैर करने जाऊंगा। आओ को क्या तुमने वो असली तोहफा देखा जो जानवरों ने भीरू को दिया? अंगूठी नहीं बाल्टी बॉय, सबसे बड़ा तोहफा जहर। बिल्कुल सही बाल्टी बॉय, तुम्हारे अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हें तोहफे में जहर ही दूंगा। कितना मजा आएगा ना। क्रिश बाल्टी बॉय, सबसे बड़ा तोहफा जो उन्होंने उसे दिया वो था दोस्ती का हाथ। दोस्ती का हाथ, ये तो सच है। तेरे जैसे चंपू दोस्त जिनके